हेलो फ्रेंड्स, क्या परमानेंट स्टोमा को हम रिवर्स कर पाते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज्यादा सर्जरीज की होंगी। तो दोस्तों, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं फॉलोअप के दौरान कि ये जो क्या हमने जो परमानेंट स्टोमा बनाया है, क्या इसको हम अंदर डाल सकते हैं और वापस रूटीन जैसे स्टूल का पैसेज था, जैसे मल का पैसेज था, वैसे हो सकता है क्या? ये कई बार ऐसे होता है कि सर्जरी से पहले डिटेल काउंसलिंग के बाद भी थोड़े पेशेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि शायद ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये परमानेंट स्टोमा निकल जाए। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है फ्रेंड्स कि ये परमानेंट स्टोमा है, तो टेक्निकली इसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। थोड़े स्टोमास टेम्प्रेरी रहते हैं, थोड़े स्टोमास परमानेंट रहते हैं कई सारे कारणों की वजह से। अगर आपको टेम्प्रेरी स्टोमा और परमानेंट स्टोमा के बीच का डिफरेंस के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप जो दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर हमने ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। परमानेंट स्टोमा क्यों हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं? तो ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि परमानेंट स्टोमा बनता क्यों है। परमानेंट स्टोमा इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारे स्टूल के पैसेज के लिए, जो हमें टॉयलेट पास करने के लिए, जो हमें मांसपेशियों का कंट्रोल चाहिए, वो कंट्रोल हम बचा नहीं पाते हैं सर्जरी में, इसकी वजह से परमानेंट स्टोमा बनता है। अगर समझ लीजिए कि किसी को लो रेक्टल कैंसर है, जो कैंसर एनल ओपनिंग या मतलब मल के पैसेज का जो डोर रहता है उससे 5 सेंटीमीटर के अंदर है, तो वहाँ पे थोड़े पेशेंट्स में होता है कि कैंसर इतना फैला है कि आजू बाजू के मांसपेशियों को पकड़ ले, और ये मांसपेशियाँ वो हैं जो आपके स्टूल के ऊपर आपको कंट्रोल देता है। सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो समझ लीजिए, आप एक सोशल फंक्शनिंग में हो या गैदरिंग में हो या मीटिंग में हो, और सडनली आपको गैस पास करने का मन करता है या स्टूल पास करने का मन करता है, तो आपके अंदर के मांसपेशियों को टाइट करते हो जिससे ये आप अवॉइड कर पाते हो। तो ये वही मांसपेशियां हैं जो स्टूल्स के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं, और यही वो मांसपेशियां हैं जब लोअर रेक्टल कैंसर फैलता है तो यही मांसपेशियों को पकड़ता है। तो इसे कॉमन सेंस है कि जब हम ये मांसपेशियां ही मतलब सेक्रीफाइस करना पड़े सर्जरी में कैंसर को कम्प्लीटली निकालने के लिए, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ही नहीं रहता है। भले ही हम उसको स्टोमा को निकाल के अंदर भी डाल दें और वापस वैसे नॉर्मल नीचे का टॉयलेट का रास्ता बना दें, वो टॉयलेट के रास्ते के ऊपर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा हमें अचीव नहीं होता है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिकल रीज़न है जिसकी वजह से परमानेंट स्टोमा को हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। थोड़े बहुत पेशेंट्स में, थोड़े बहुत सिलेक्टेड केसेस में, आजकल वेरी सिलेक्टेड सेंटर्स में क्या होता है कि ये जो परमानेंट स्टोमा है इसको अवॉइड करने का कोशिश होता है, जहाँ पे हमें दूसरा मसल ग्राफ्ट और स्टिमुलेशंस को प्लान करना पड़ता है, ताकि ये जो नया मसल हम शिफ्ट कर रहे हैं या जो बचा हुआ मसल है, इसको कैसे हम पूरे मसल के फंक्शन पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। बट हालांकि कई सारी बार ये सब चीज़ें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं और बहुत ही कम पेशेंट्स में ये सब करने का हमें फ्रीडम मिलता है। दोस्तों, ये एक डिस्कशन था कि परमानेंट स्टोमा को क्यों हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो जब हम परमानेंट स्टोमा बनाते हैं तो हमारा बेसिक गोल रहता है कि कैंसर को कंट्रोल करना, और इस हिसाब से आप देखोगे तो जो स्टोमा बनाया है आपके लिए एक लाइफ सेविंग मेजर है, और उसको एक फ्रेंड की तरह देखना चाहिए, ना कि एक डिसएडवांटेज की तरह। कंप्लीटली रूटीन नॉर्मल आप एक परमानेंट स्टोमा के साथ भी अचीव कर सकते हो अगर आपका मन है तो। तो मोटिवेशन रहना बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट रहना मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से, और एक परमानेंट स्टोमा को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइए, हम ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।